ओ भाई साहब, ये डर्ट माइन करना भी कितना मुश्किल काम है यार। मतलब सवेरे से कर रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है। लो भाई, रात भी हो गई। भाई ये भाई कितना मुश्किल है यार, भाई साफ ही नहीं हो रहा है। चलो खैर, अभी चल के सो जाते हैं। अबे भाई, मैं अपने ट्रेडिंग हॉल में कहाँ से आ गया। ओ भाई वेट, वो विलेजर छत पे कैसे चढ़ा। अबे अबे भाई, ये तो MLG कर रहा है, तो ड्रीम का 14 हो रहा है। अबे तू बाहर कैसे आया अबे। अब बस, अब हम विलेजर्स और गुलामी नहीं करेंगे। मुझे यहाँ से निकलना आ गया। अब मैं और सारे विलेजर्स को बता दूंगा और यहाँ से हम लोग भाग जाने वाले हैं। लेकिन तू भागना क्यों चाहता है। मैंने तो अपना खड़ा घर तुम लोग के नाम कर दिया, और ऊपर से तुम सबों को नौकरी भी दी, तब पर भी। अबे तू इसे घर कहता है, घर के नाम पे डब्बा है ये। और नौकरी की बात तो छोड़, तू हमसे नौकरी कम गुलामी ज्यादा करवाता है। अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। अब मैं सारे विलेजरों को बताने जा रहा हूँ। अबे जब तू जिंदा रहेगा तब ना विलेजरों को बताएगा, अब तो जिंदा नहीं बचने वाला। रुक अभी तुझे बताता। ओ भाई वेट, मेरा सारा सामान किधर चला गया। मुझे हराना इतना आसान समझा था क्या? जब तू सो रहा था तो सारा सामान मैंने तेरा जी में से निकाल के अपने पी में रख लिया था। और जिन लोगों को जी और पी का मतलब नहीं पता है, वो लोग मत पता करो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। अब तू गया बेटे। अभी तू पागल वागल हो गया क्या। बैठ के बात करते हैं ना, मैं कुछ करूंगा तुम लोग के लिए। अबे भाई, अगर मैं एक चोमू से विलेजर से हार गया तो लोग क्या कहेंगे। नहीं भाई, नहीं नहीं ओ भाई सब कितना खराब सपना था यार। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, एंड कैसे हो सभी लोग। आई नो कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट आ रही है, बट मेरे एग्जाम चल रहे थे एंड आज के बाद से बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहूंगा, क्योंकि मेरे एग्जाम खत्म हो गए रे। सो गाइस, ये सपना सच ना हो जाए इसीलिए आज मैं अपने विलेजरों के लिए एक बहुत ही मस्त सा गोल्डन विलेज बनाने वाला हूँ, एंड ये लिटरली काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं इसी जगह पे अपने गोल्डन विलेज को बनाने वाला हूँ, एंड अब फटाफट से इस जगह को क्लियर करते हैं। ओह, काफी टाइम लगने वाला है। सो मिलता हूँ 2-3 हजार घंटों के बाद। मैंने सारा का सारा एरिया प्लान कर दिया, एंड भाई ये देखो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। मतलब भाई, इस चीज को करने मुझे 2 घंटे से भी ज्यादा लगा यार। अब आप लोग के मन में ये सवाल जरूर से आ रहा होगा कि मैं छोटा मोटा तो विलेज बनाने नहीं वाला, तो मैं इतना ढेर सारा गोल्ड लाऊंगा कहाँ से। मेरे पास तो बस एक छोटा सा गोल्ड फार्म है, बट उसका ही सोल्यूशन है मेरे पास। बस आप लोग रुको और देखो। बस वो चीज देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने आयरन फार्म के पास। तो फटाफट से मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। अबे भाई, आयरन गोलम बाहर क्या कर रहा है यार। मैं गरीब हूँ, ये गरीब की माँ की। जी देखो, मैंने अपने पुराने वाले गोल्ड फार्म को तोड़कर यहाँ पर डबल लेयर का एक बड़ा सा गोल्ड फार्म बनाया, जो कि हमें काफी ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला है, एंड इसे मैंने ऑफलाइन ही बनाया था। एंड गाइस, यहाँ से हम लोग ट्रैप डोर खोल के ऊपर नीचे आ सकते हैं, एंड यहाँ पर आके हमारे पिगलिन से ऊपर से आकर नीचे गिरते हैं, एंड यहाँ मैं उन्हें मार डालता हूँ। एंड यहाँ से सारा सामान इस चेस्ट में जाता है, और इस चेस्ट में से सारा सामान इस आइटम स्लॉटर में जाता है। बस फार्म में दिखाने के लिए इतना ही था। यहाँ से लीवर ऑन करके फार्म को ऑन कर देते हैं, एंड अब चलते हैं 2-3 करोड़ साल तक FK करते हैं। मैंने काफी देर तक FK किया, आप लोग मेरे XP से पता लगा ही पा रहे होंगे, 60 से भाई 95 तक आ चुका है। एंड गाइस, इतना FK करने के बाद मुझे ओनली 4.5 स्टैक गोल्ड ब्लॉक्स मिले। आई नो सुनने में ज्यादा लग रहा है, बट मैं जब बनाने बैठूंगा ना तो ये काफी ज्यादा कम पड़ने वाला है। बट कोई बात नहीं भाई, अभी हमें जितना मिला है वो लेके चलते हैं, एंड बाद में मैं यहाँ से और गोल्ड ले लूंगा। एंड गाइस, जितना सामान हमें इस विलेज को बनाने के लिए लगने वाला है वो सारा इस सल्कर बॉक्स में, एंड बाकी का सामान दूसरे सल्कर बॉक्स में है। एंड गाइस, देखते हैं ये पैरेट एक सीड में टेम होगा क्या। अगर नहीं हुआ तो अभी टेम ही नहीं हुआ, ले बेटे।
ओके जोक्स अपार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एक बाउंड्री बनानी होगी जितने एरिया में हमारा विलेज रहने वाला है। ऑल राइट गाइस, बाउंड्री बन के तैयार है एंड इतने एरिया में हमारा विलेज बनने वाला है। सो फटाफट से अपने विलेज का पहला घर भी बना लेते हैं, बट उससे पहले इस विलेजर के एक हाउस को अच्छे से देख लेते हैं किस डिजाइन में बना है, वैसे ही हम भी लोग टिप देंगे। ओके गाइस, सो मैंने घर के डिजाइन को काफी अच्छे से देख लिया एंड अब चल के अपना पहला घर बनाना शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, हमारे विलेज का फर्स्ट हाउस बनकर रेडी है एंड जब तक मैं पूरा विलेज बनाता हूँ तब तक के लिए आप लोग देखो एक छोटा सा सिनेमैटिक शॉट। ऑल राइट गाइस, हमारा पूरा का पूरा विलेज बनकर रेडी है एंड आप लोग यहाँ दीवार देख सकते हो, वरना भाई विलेजर यहाँ से भाग सकते हैं। एंड इसी के साथ मैंने यहाँ पर विलेजरों को भी शिफ्ट कर दिया है और भाई मैंने इसे बनाना जितना आसान समझा था ना भाई, वो बहुत ज्यादा मुश्किल था भाई इसे बनाना। मतलब भाई आप लोग मेरी एक्सपी देख के पता लगा सकते हो, भाई देख रहे हो 100 पार हो गया मेरे पहली बार सर्वाइवल में। भाई इस चीज को बनाने में जितना गोल्ड लगा है ना यार, मत पूछो यार, वैसे पूछ ही कौन रहा है। एंड गाइस, विलेज को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, हम लोग 600 सब्सक्राइबर से काफी ज्यादा। लेट्स गो गाइस, मैं आप लोग को विलेज दिखाई देता हूँ अब 3, 2, 1 एंड भाई ये देखो यार हमारा विलेज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड भाई सबसे ज्यादा मेरा गोल्ड इस ट्री को बनाने में लगा है भाई, मतलब भाई मेरा लगभग सारा गोल्ड इसी में लग गया। एंड इस साइड पे हमारे विलेजर्स मस्त रहते हैं एंड इस साइड पे वो मजदूरी करते हैं। एंड इस विलेज में मैंने घरों के अंदर इंटीरियर भी काफी अच्छा बनाया, मतलब दो दो बेड बना दिया ताकि एक घर में दो विलेजर शेयर करके रह पाए। ये रहा हमारे इस विलेज का सबसे अमीर घर। अमीर घर कम ये धर्मशाला ज्यादा हो गया क्योंकि मैंने इसमें इतने ज्यादा विलेजरों का घर बना दिया ना भाई, इसमें तब भी 20 विलेजर आराम से रह लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये देखो भाई इतने ढेर सारे चेस्ट बेड, मतलब भाई सारे विलेजर विलेज के इसी में रह लेंगे। ये रहा हमारे इस विलेज का सोने का पेड़ यानी कि गोल्डन ट्री। बता तो ऐसे रहो से देखने वाला अनपढ़ है। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने पाथ भी बना दिया है जो हर घर से निकल के आता है और इस चौराहे से जुड़ जाता है। बाय द वे गाइस, आप लोग को दिखाने के लिए इस विलेज में बस इतना ही था एंड आप लोग इसे 10 में से कितना रेटिंग दोगे आप लोग कमेंट में जरूर से बताना। बाय द वे गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना है एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डायनो गेमर्स साइनिंग आउट।